से पहाड़ों की आवाज आपकी आवाज। नमस्कार, एक बार फिर मैं आपके साथ हूँ, आमने सामने हूँ। मेरे साथ हैं फॉरेस्ट विकास खंड के प्रधान संगठन के अध्यक्ष कमल रावत जी, जो वर्तमान में ग्राम पंचायत धनाव के प्रधान भी हैं और युवा हैं, कर्मठ हैं। और कमल रावत जी बहुत ही सामाजिक कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया बारीकी से देखते हैं, सोशल मीडिया एक्टिव हैं, पार्टी का पक्ष मजबूती से रखते हैं भारतीय जनता पार्टी का, और पौड़ी जनपद के अंदर बहुत ही सोशल एक्टिव जाने जाते हैं समाज के लिए। आज हम उनसे बात करते हैं कि जो इस टाइम कोरोना वैश्विक महामारी बीमारी चल रही है, उसमें उनको जो जिम्मेदारियाँ दी गई है वो कैसे निर्वाह कर रहे हैं, और वो उनको जो सरकार द्वारा सहयोग कैसे किया जा रहा है। और तमाम सोशल मीडिया में आप देख रहे हैं कि प्रवासी लोग प्रधानों को कहते हैं कि 5 लाख रखा, इतना लाख रखा, कहाँ तक ये बात सत्यता है। और बीच में प्रधानों को इतनी बड़ी जिम्मेवारी देने के बाद प्रधान लगातार इस जिम्मेवारी को बखूबी निभाते रहे, और बीच में कई लोगों ने सोशल मीडिया में प्रधानों को आपत्तिजनक टिप्पणियाँ भी की है, उसके लिए भी उन्होंने आवाज़ उठाई, उसमें उन असामाजिक तत्वों के खिलाफ उन्होंने जो है विरोध किया। और आगे हम जानेंगे उनके आगे की क्या रणनीति है। मेरे साथ है कमल रावत जी। कमल रावत जी, जैसे कि कोरोना वैश्विक महामारी बीमारी में प्रधानों को बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी गई थी और प्रधानों ने बखूबी तरह जिम्मेवारी निभाई भी है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के जो शासन आदेश पत्रों में कह देते हैं, सरकार बोल देती है कि हम प्रधानों को बजट दे रहे हैं, कोरोना वैश्विक बीमारी के लिए आर्थिक सहयोग कर रहे हैं, लेकिन अभी जब सभी प्रधान कह रहे हैं कि अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं सहयोग करने के लिए इस क्वारंटाइन कराने में, जो सरकार का जितना भी ग्राम सभा ने किया अपने संसाधनों से किया है, क्या कोई ऐसा बजट आया बड़ा इसके लिए? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी आपके श्रोता देख रहे हैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ। और अभी तक जितनी भी ये वैश्विक महामारी कोरोना अभी तक जो चली है, जिसमें सरकार की भूमिका सकारात्मक रही है पूरे प्रकरण को लेके हुए, और छोटी इकाई जो ग्राम सभा की है जिसमें अभी तक गांव के प्रधानों ने काम किया है, और इस समय जितने भी सभी बोल रहे हैं, मैं किसी की भी अवहेलना नहीं करना चाहता, पर जो अभी प्रधान एक्टिव और नए शिक्षित प्रधान आ रखे हैं, और वर्तमान में जितने भी हमारे महिला प्रधान हैं जो भी है, वो बड़े ही अपनी भूमिका जागरूकता से अपने गाँव ग्राम सभा के लिए 100% निभा रहे हैं। और वही कोविड में जो सरकार के माध्यम से जो पैसा भी आया था, उसके लिए ग्राम प्रधानों को 10,000 रुपये उत्तराखंड सरकार के द्वारा धनराशि दी गई है, उसमें जो भी इनका बजट है वो अपने मत पे जो भी इन्होंने सामान वगैरह कोविड में जितना भी इन्होंने खर्चा किया तो वो पूरा उसमें करेंगे। बाकी सरकार का एक और भी है कि अगर आपको ग्राम प्रधानों को जितना भी पैसा चाहिए होगा वो उनको मिलेगा। और मैं अपनी ग्राम सभा की बात करता हूँ जहाँ से मैं प्रधान हूँ धनाव से, मेरे यहाँ आज के टाइम पे 102 लोग प्रवासी आ चुके हैं, और थोड़ा बुरा भी लगता है जब ग्राम इकाई अपने ग्राम सभा के लिए 100% काम करती है और कोई शरारती तत्व अगर ऐसे करके माहौल ख़राब करता है तो बुरा भी लगता है, ठेस भी पहुँचती है। एक प्रकरण था बीच में दो लड़कियों का जिन्होंने सोशल मीडिया पे टिकटॉक बना के वीडियो प्रधानों के खिलाफ अभद्रता भाषण का प्रयोग किया था, वो टिहरी जनपद की दो बिटिया थी, उनके खिलाफ हमने लिखित तौर पे अपर जिलाधिकारी महोदय पौड़ी को संज्ञान में लिया था, उन्होंने उस पर कार्रवाई भी की, और हमने उस पर उन्होंने LIP की टीम पौड़ी से भेज के वहाँ पे उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। एक दो प्रकरण हमारे पौड़ी विकासखंड के भी आए थे, उन पर भी हमने कार्रवाई की है, और भविष्य में भी हम सब प्रधानों के साथ एकजुट और एक साथ के साथ रहेंगे। मेरे कमलराज जी, एक सवाल है कि प्रवासी लोग मेरे जो हमारे पौड़ी जनपद में, आप तो काफ़ी एक्टिव हैं और जानकारी आपको होगी, 60 या 65 हज़ार के आसपास जो है मार्च के बाद लोग गांव आ गए हैं, और अब प्रधान भी चाहते हैं कि जो बाहर से लोग आए हैं वो गांव में ही रहे, ताकि ये तो आपकी जो जनसंख्या कम हो गई थी गांव की, ऑपरेशन कम था, हमें दिक्कत होती थी, बजट कम मिलता, क्योंकि बजट जो है वो जनसंख्या आधार पर आता है, तो ग्राम सभा हमारे यहाँ जो है कि छोटी छोटी जनसंख्या के कारण बजट कम आता है। एक तो आपकी जनसंख्या बढ़ गई, दूसरा ये है कि
आप भी चाहते हैं कि जो बाहर से लोग आए वो गांव में रहे, ताकि गांव में एक पुराना जो माहौल था गांव का, जो सामाजिक तानाशाही है गांव का, जो खेती किसानी है वो दोबारा होगी, जो बेरोजगार लोग बाहर से आए वो कुछ ना कुछ तो करेंगे, उनके लिए क्या पहल है आपकी, और क्या आप उनके लिए स्वरोजगार के लिए क्या रणनीति बना रहे हो, और आप चाहते हैं कि जो बाहर से वो गाँव में रहे। बिल्कुल डांगी जी, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। इस पर जो हमारे अप्रवासी बाहर से आ रखे हैं उनके लिए सरकार ने एक दिशा निर्देश जारी किया है, जो किसानी से अपने आजीविका शुरू करना चाहते हैं वो किसानी से, उद्यान विभाग हो गया, कृषि विभाग हो गया, पशुपालन से हो गया, वो अपनी आजीविका वहाँ से सुलट कर सकते हैं। बाकी सरकार ने भी एक जियो, अभी कुछ ही दिन पहले उनका शासनादेश जारी हुआ है, जो भी अभी प्रवासी बाहर से आ रखे हैं, अभी हमारी जो मैं अपने विधानसभा की बात करूँ पौड़ी विधानसभा में, हमारे यहाँ 15,000 लोग हैं, जिसमें से 9,000 लोगों ने सिर्फ अपने कृषि के लिए आवेदन किया कि हम कृषि में काम करना चाहते हैं। पर कुछ भारत सरकार के कुछ गाइडलाइंस ऐसी भी हैं, मनरेगा में आपने कहा कि कुछ बजट सीमित होता है, तो वो जो मनरेगा का बजट होता है उसमें हम जॉब कार्ड के आधार पे, जॉब कार्ड के जैसे किसी ग्राम सभा में 100 जॉब कार्ड है तो उसको उस हिसाब से उनको उस गाँव ग्राम सभा को रोजगार दिया जाता है। पर ये अप्रवासी जिस लोग भी आ रखे हैं, तो ये जो बाहर से जो हमारे गाँव की तरफ पहुँच रखे हैं, इनको उसी परिवार में ऐड होना है, इसी परिवार में ऐड होना है, तो उसको वो काउंट नहीं होगा। अगर सरकार इनको भी जॉब कार्ड बनाने के लिए एक रास्ता इनका साफ कर दे कि इनका जॉब कार्ड बनेगा जो बाहर से आ रहे, तो इनको भी रोजगार मिलेगा, फिर गांव का जो बजट होता है वो भी बढ़ेगा, फिर गांव का विकास होगा, वो धरातल पर देखेगा। जी जी, क्योंकि मनरेगा ही एक स्टेप विकल्प है उन लोगों को रोजगार देना, क्योंकि जो अन्य व्यवस्था उसमें समय लगेगा, अपने स्वरोजगार के लिए उनको तैयार होने में, सरकार से ऋण लेने में, क्योंकि आपकी सरकार द्वारा जो ऋण दिया जा रहा है सहकारी साधन समिति के माध्यम से, उसमें भी जो है बिना ब्याज का, वो भी अच्छी पहल है। लेकिन मनरेगा ही फिलहाल ऐसा विकल्प है कि आप उनको रोजगार दे सकते हैं और मनरेगा में जॉब कार्ड बन भी रहे हैं। डांगी जी, क्या है कि कई जगह जॉब कार्ड भी बन रहे हैं, पर उस हाथ आप पे नहीं बन रहे कि 9,000 जो लोग बाहर से आ रहे हैं उन लोगों के अगर सपोज आ रहे हैं तो 3,000 जॉब कार्ड बन रहे हैं, ये बात सत्य है। मैंने जब इस समय इस विषय पे जिलाधिकारी महोदय से भी बात की थी, मैंने कहा सर ऐसा है कि परिवार में एक परिवार रिश्तेदार होती है, उसमें सिर्फ एक ही का जॉब कार्ड होता है, एक मुखिया का, वो भी 100 दिन। हाँ, 100 दिन। मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे अगर ये बाहर से आ रखे तो इनका परिवार विच्छेदन करवा के इनको जॉब कार्ड बनाया जाए इनका, तो इनको भी 100 दिन का रोजगार मिलेगा, ये भी पलायन होने से बचेंगे। आप अध्यक्ष हैं, आप अपने इसमें जो है सरकार से ये बात रख सकते हैं कि जो 100 दिन जो गरीब रोजगार मंडी, इसका दिन बढ़ाने का लिए मैंडेट जो है कि 200 दिन का हो सकता है, तो उसमें एडजस्ट हो सकता है। अभी इससे पहले गैरसैंण में सत्र चला था, जब हमारे यहाँ कोविड का इतना वो महामारी इतनी थी नहीं, तो गैरसैंण में सत्र मान्य विधायक पौड़ी द्वारा हमने एक प्रस्ताव रखा था कि विधायक जी पौड़ी विधानसभा की तौर पर आप एक क्वेश्चन वहाँ पे रखिए, जिसपे कि प्रत्येक उत्तराखंड के सदस्य को जो जॉब कार्ड से आधारित है उसको 150 दिन का रोजगार दिया जाए, और अभी हमारे यहाँ जो दिहाड़ी है वो 202 रुपये है, उसको बढ़ा के 250 रुपये कर दिया जाए, जिससे एक अच्छी खासी रकम हमारे गांव के लोगों को मिले और उसे वो यहाँ रुकने का कुछ अपना स्वरोजगार कर सके। उससे आगे सामने है कि जो हम लोग खेती कर, पहले भी हमारे पूर्वज खेती करते, खेती हमारे में आजीविका थी ग्रामीण क्षेत्र उत्तराखंड की, लेकिन आपको पता है कि खेती लोगों ने छोड़ दी है, तो सभी लोग चाहते हैं कि इसको मनरेगा से जोड़ा जाए। प्रधान लोग भी कह रहे हैं कि मनरेगा से खेती जोड़े, तो मनरेगा से अगर खेती जुड़ जाएगी तो हल भी लगेगा, जो कुशल श्रमिक है उसको हल्के पैसे मिल जाएंगे, खेती वाले जो अपने खेत में काम को जो मजदूरी मिल जाएगी, तो हमारे जो खेत में है किसान खेती जो छोड़ गई वो एक बार फिर कर सकते हैं, खेती दोबारा कर सकते हैं लोग। क्या इसमें मनरेगा में आपको क्या सुझाव है? मनरेगा में ही इसको खेती का ऐड कर देना चाहिए, और दूसरा इसमें एक शर्त ये भी रख देनी चाहिए, अगर जो मनरेगा उपभोक्ता होगा जिसका जॉब कार्ड होगा उसको अपने यहाँ पे 50% खेती करनी होगी, उसका राजस्व ऑपरेशन उसकी जांच करे कि वास्तव में इसने खेती के लिए कर रखी है। दूसरा कुछ होता है कि दिया तले अंधेरा, कृषि विभाग द्वारा यहाँ पे उन जगहों पे घेरवाड़ का काम किया जा रहा है जहाँ पे घेरवाड़ होनी नहीं चाहिए। कृषि विभाग और सवाल में आपको बताना चाहूँ कि उन लोगों को सम्मान, किसान जो आप सरकार द्वारा किसानों को सम्मान निधि मिलती है वो बहुत अच्छी पहल हमारे माननीय मोदी जी का, वो एक जागरूकता के लिए किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान है, लेकिन देखा गया कि उन लोगों को किसान सम्मान निधि मिलती जो खेती नहीं कर रहे और जिनके पास बल है जो है उनको नहीं मिल रही, तो कहीं ना कहीं जो है कि या तो उनकी जो है राजस्व विभाग द्वारा सही डिटेल गई नहीं कृषि विभाग के पास, या उनकी जो है कि आवेदन अस्वीकार कर दिए, कहीं ना कहीं तकनीकी कारण से जो है बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी किसान सम्मान निधि नहीं मिलती और वो आज भी खेती कर रहे हैं। डांगी जी, अभी जब से हमारा भू अधिनियम आया था 1961 में, तब से ही वही चला आ रहा है, उसमें कोई फेरबदल नहीं हुआ। मेरे दादाजी के टाइम का जो भू अधिलेख था वो अभी तक वही चला रहा है,
उसमें फेर बदल करके जो नई पीढ़ी है उसको अगर उसमें ऐड किया जाता, उसकी जमीन का वैल्यूएशन देखा जाता कि ये वास्तव में खेती कर रहा है कि नहीं कर रहा, 60 साल पहले जिसने खेती की वो अब तो नहीं कर रहा, वो युवा पीढ़ी तो कोई खेत में नहीं है इस समय वर्तमान में, या तो कोई बाहर इसी मेट्रो सिटी में या कोई दूसरे कामों पर लगे हुए हैं। तो वो बात सत्य है कि जो ये अभी 2000 रुपये आ रखा है ये ऐसे लोगों को मिल रहा है जो इसके हकदार है ही नहीं, और वास्तव में ये खेती नहीं कर रहे हैं, देहरादून बसे हुए हैं और इनके खाते गाँव में हैं, और राज्य सरकार भी क्या करे, वो भी उनको भी डिटेल देनी पड़ती है, अगर सपोज कहीं नहीं हो तो वो ये लोग अपना फिर आवेदन करते तो उनको भी 2000 रुपये मिले ही है जो ऑनलाइन, हाँ ऑनलाइन प्रक्रिया उसमें। धन्यवाद, ये थे हमारे साथ कमल रावत जी, जिन्होंने जो COVID-19 चल रहा है उसके समस्या प्रधान के साथ क्या क्या दिक्कत आ रही और किस तरह से सहयोग किया जा रहा शासन प्रशासन, उन्होंने हमारे साथ बात की। वॉइस ऑफ कॉन्फ्रेंस के लिए मैं कमल रावत जी के साथ ग्राम धनाव जिला पौड़ी में। जय उत्तराखंड, आप देखना छो पहाड़ों की आवाज, गांव की आवाज, घर घर की आवाज, पहाड़ों की सच्ची खबर देखना को हम प्रतिबद्ध छो। एक आवाज था आपको सहयोग जरूरी छे, आप चैनल थी सब्सक्राइब करा, शेयर करा, अपन प्रतिक्रिया जरूर लिख, अपन ध्यान रखिया, और उत्तराखंड को अन्य खबरों का देखना खण है हमारे वेबसाइट www.voiceofmountains.com पर देखा। धन्यवाद।